उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा राज्य। यहाँ के चमोली जिले में एक जगह है गैरसैंण। ये एक नगर पंचायत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। 4 मार्च को बजट पेश करने के बाद विधानसभा में उन्होंने ये ऐलान किया। बहुत लोगों ने सीएम के इस समर कैपिटल बनाने के फैसले का स्वागत किया, वहीं बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इसे स्थायी राजधानी बनाने की मांग करने वालों का कहना है कि ये एक झुंझुना भर है। उनका कहना है कि गैरसैंण की इतनी ही चिंता है तो उसे स्थायी राजधानी क्यों नहीं बना देते। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के समर्थक एक्टिविस्ट चारू तिवारी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने अपनी टोपी बचाने के लिए और पार्टी में उपज रहे असंतोष से खुद को बाहर निकालने के लिए ही ये कदम उठाए हैं। ये जनता के सवालों को दरकिनार करने और जनता की भावनाओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक समझ को दिखाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गैरसैंण यानी कि चंद्रनगर को खारिज करने और उसे उलझाए रखने का काम बीजेपी की अंतरिम सरकार राज में बनने के बाद से ही कर चुकी थी। उसने ये स्थायी राजधानी की घोषणा करने की जगह दीक्षित आयोग का गठन कर इसे हमेशा उलझाए रखा। बाद में कांग्रेस ने भी इसे आगे बढ़ाया। जिस दीक्षित आयोग को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी वो 11 बार बढ़ाई गई। 9 सालों तक जनता के पैसों का दुरुपयोग होता रहा। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस ने राजधानी के सवाल को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया। स्थानीय पत्रकार राजीव लोचन कहते हैं, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड को स्थायी राजधानी तो दी लेकिन उत्तराखंड को छोड़ दिया। पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करने में हिमाचल प्रदेश तो सफल हो गया लेकिन उत्तराखंड पीछे रह गया। अभी गैरसैंण को समर कैपिटल बनाने की घोषणा के बाद भी सारे काम देहरादून से ही होंगे। वहाँ सचिवालय हैं, विधानसभा भवन का आर्किटेक्चर भी पहाड़ी परंपरा के हिसाब से नहीं है, सिर्फ सीमेंट का एक टीला खड़ा कर दिया गया है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए कि समर कैपिटल क्या होती है। समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी गर्मियों में प्रशासन चलाने वाली जगह होती है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को समर कैपिटल बना दिया जाता था। गर्मियों में अंग्रेज अफसरों को मैदानी इलाकों में दिक्कत होती थी। सरकारी अमले को लाने ले जाने में भी आने वाले झंझट को देखते हुए ये प्रैक्टिस रोक दी गई थी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समर कैपिटल है। इसके अलावा विश्व के कई देशों में ऐसी व्यवस्था रही है। अब आते हैं गैरसैंण पर। गैरसैंण गढ़वाली शब्द है। ये 2 शब्दों से बना है, गैर और सैण। गैर का मतलब गहरा स्थान होता है और सैण शब्द का मतलब मैदानी इलाका होता है। मतलब गैरसैंण यानी गहरे में समतल मैदानी इलाका। उत्तराखंड में प्रशासन के स्तर पर 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। ब्रिटिश काल में 1839 में गैरसैंण को कुमाऊं से ट्रांसफर कर नए गढ़वाल में शामिल कर दिया गया। बाद में 20 फरवरी 1960 को चमोली के रूप में नया जिला बना दिया गया और गैरसैंण इस जिले में आ गया। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग पुरानी है, इसे लेकर आंदोलन भी होते हैं। जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन चल रहा था तभी ये मांग भी उठी। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तब देहरादून अस्थायी राजधानी बना दी गई। इसके बाद से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठती रही है। यहाँ पहाड़ी बनाम मैदानी इलाके का मामला भी है। पहाड़ी लोगों की अवहेलना का आरोप लगाकर ही अलग राज्य की मांग हुई थी। गैरसैंण के स्थानीय लोगों को लगता है कि पहाड़ी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। बहुत से आंदोलनकारियों की मांग है कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ी ही होनी चाहिए जबकि देहरादून तराई क्षेत्र है। उनका कहना है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती, इसी वजह से गैरसैंण विकास से भी दूर है। 1960 के दशक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की थी लेकिन 90 के दशक में अलग राज्य की मांग के साथ आंदोलन शुरू हुआ। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण को घोषित भी कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर राजधानी का नाम चंद्रनगर करने की मांग भी की। 1994 में उत्तराखंड आंदोलन चरम पर पहुंच गया। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग के साथ सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1994 में 157 दिनों की भूख हड़ताल हुई। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। सरकार ने रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसने अलग राज्य के साथ गैरसैंण को उसकी राजधानी बनाने की सिफारिश की। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अलग राज्य बनने के बाद गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग और तेज हुई। रैलियां हुई, मार्च निकले, गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति बनी। इन सबको देखते हुए राज्य की बीजेपी सरकार ने जस्टिस वी दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित कमेटी बनाई ताकि वो स्टडी करे और बताए कि कौन सी जगह राजधानी के लिए सही है। दीक्षित कमीशन ने 5 जगह चुनी, देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण। इसके बाद 17 अगस्त 2008 को कमेटी ने 80 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी, बताया कि देहरादून राजधानी के लिए सही जगह है।
अब आते हैं 2012 में जब सीएम विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट मीटिंग की। 2013 में जीआईसी ग्राउंड में उत्तराखंड विधानसभा बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसके बाद गैरसैंण से 14 किलोमीटर दूर भराड़ीसैंण में भूमि पूजन हुआ। 2014 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। 9 जून से 12 जून 2014 तक उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र गैरसैंण में हुआ था। इससे शोर तेज हुआ कि गैरसैंण भविष्य में स्थायी राजधानी बन सकती है। मई 2014 में उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले में गैरसैंण और अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक को मिलाकर गैरसैंण डेवलपमेंट काउंसिल बनाई। इसी साल के अंत तक निर्णय हुआ कि इसे समर कैपिटल की तरह विकसित किया जाएगा और अब आखिर गैरसैंण को समर कैपिटल ही सही बना दिया गया है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी निशांत ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।